देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया है, फाइंड द होल क्वांटिटी। तो आपको परसेंटेज में क्वांटिटी दी है, उसकी आपको होल क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5% ऑफ इट इज 600। तो कोई भी एक वैल्यू दी है जिसका 5% कितना है 600। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अगर किसी की 5% वैल्यू हमको 600 दी है तो उसकी 100% वैल्यू कितनी होगी। हमारा सिंपल फॉर्म ये है 1, 2 और ये 3, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 1। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर 100%, ये 60 तो वैसे का वैसा उसमें परसेंटेज नहीं है, और ये 5%, तो ये 5% है। तो 5% और 10% परसेंट कैंसल, तो 5 का 20 से कटेगा, 5 का अगर 20 से कटेगा तो आंसर कितना आएगा 12,000। कितना आएगा आंसर 12,000। ऐसे ही चलो ये कोई एक दूसरा ले लेते, किसी का सी में देखो कितना दिया है, 40% की वैल्यू अगर आपको 500 दी है, कितनी 40% की वैल्यू 500 दी है, तो हमको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन वही थर्ड और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, तो थर्ड और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन और फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन में देखें तो परसेंटेज 6% कैंसल 40 का 4 से 10, ये 25 और ये 10 से एक जीरो कटेगा, तो 25 कितना होता है 75 और 00। ओके, तो आंसर कितना आ गया 75। ये एक जीरो तो कट गया था, तो इसमें से एक ही जीरो आएगा। ओके, तो आपका आंसर कितना बन गया 750। आपका आंसर कितना बन गया 750। अब सिक्स नंबर, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले कन्वर्ट करो किसको, परसेंटेज में से डेसिमल फ्रैक्शन। तो अभी देखो पहला आपको दिया है 25%, कितना दिया है आपको 25%। तो अभी मैंने बोला ना कि नॉर्मल डेसिमल में लाना है तो परसेंटेज को रिमूव करो, तो परसेंटेज को अगर हम रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 तो ये क्या हो गया, ये 1/4, ये कितना हो गया 1/4। फिर क्या बोला है 150%, तो 150% को कैसे लिख सकते हैं हम, 150% परसेंट रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 100 आएगा तो ये 50 से 53 जा लिख सकते हैं, इसको 52 जा लिख सकते हैं, तो 50 कैंसिल तो 3/2 क्या आ जाएगा 3/2। ओके, फिर 20% तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 20%, तो परसेंट रिमूव करेंगे तो 20/100, तो ये 1/5 आ जाएगा। ओके, ये 1/5, ये आपका सब में ये आपका होगा सिंपलेस्ट, ये आपका होगा फ्रैक्शन फॉर्म। लेकिन उसमें आगे पूछा है डेसिमल भी बताओ, तो 20/100 तो पॉइंट कितने दो कटेंगे, तो दो कटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.2। वैसे ही 150/100 तो ये भी दो पॉइंट कटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1.5। वैसे ही इसमें भी 20% तो 25/100 तो 25/100 इसमें भी दो पॉइंट कटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.25। तो ये 0.25 ये जो पॉइंट हमने काटे ना वो हमारे बन गए डेसिमल फ्रैक्शन, और ये जो आगे हमको बताया है वो फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वो आपको दिखाया हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो कैसे हम परसेंटेज में से, और देखो कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो ये इसमें देखा कैसे परसेंटेज दिए उसमें से ओरिजिनल निकाल सकते हैं वो इसमें देखा, और कैसे डेसिमल फ्रैक्शन और कैसे फ्रैक्शन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं वो हमने इसे देखा। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जिसने क्वेश्चन मैंने करवाया उसके अलावा आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने स्कूल में आके मुझे बता सकते हो। एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट में क्या दिया है 50% ऑफ 250, क्या दिया है 50% ऑफ 250 तो इसको ऐसे लिखते हैं 50%, तो परसेंट को रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आएगा इंटू 250, तो यहाँ पे 2 से देखो ऐसे लिख सकते हैं ना 52 जा और इसको 55 जा, 50 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 50 और 5 और नीचे क्या बचा 2, तो 75/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 37.5। ओके, क्या आएगा आंसर 37.5। अभी इस पर परसेंटेज मत लगा देना, क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज पहले से दिया हुआ है उसमें से हम नॉर्मल वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो पीछे परसेंटेज लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। फिर बी करवा देता हूँ, वन परसेंट ऑफ वन आवर
देखो ऑफ जब भी आता है ना तो उसका मल्टीप्लीकेशन ही कर देना, ऑफ किसका, वन आवर, तो वन आवर, तो चलो वन आवर को हम पहले मिनट में लिखते हैं, तो वन आवर मीन 16 मिनट, और सेकंड में लिखेंगे तो 1% ऑफ 3600 सेकंड। चलो ये तीनों का फाइन कर देते हैं हम, पहले तो ये आवर क्या कर देते हैं, तो 1%, तो 1/100 वन आवर, तो वन का वन ही रखेंगे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 0.01, कितना आंसर आ जाएगा 0.01, ये किसमें आया, आवर में आया। फिर मिनट में फाइन करते हैं, तो मिनट में क्या है 1%, तो 1% को लिखो, तो 1% 1/100 मल्टीप्लाई 16 मिनट, तो यहाँ पे 16 लिखो तो 0 0, तो 6/10, तो आंसर आ जाएगा 6/10 का आंसर क्या आ जाएगा 3/5, ये किसमें आया मिनट में आया, किसमें आया मिनट। अब आवर में करते हैं, तो आवर में 1/100 और कितना है 3600 सेकंड, ये किसमें आएगा सेकंड, तो 1010000 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 36 सेकंड। ओके, तो आवर में कितना आंसर आया 0.01, मिनट में कितना आया 3/5, और सेकंड में कितना आया 36। ओके, अब तो 5